भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शरण भट्टन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आज सबसे बड़े सियासी परिवर्तन के साथ। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत जो आज से पहले तक सीएम थे उत्तराखंड के, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत अब उत्तराखंड के सीएम नहीं हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से आज राज्यपाल से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब किसी नए चेहरे को मौका मिले, बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। वहीं सवाल का एक जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुझे क्यों हटाया गया, ये आप दिल्ली से पूछिए। तो जिस तरह से पिछले दो दिनों से उत्तराखंड में लगातार सियासी हलचल थी, गहमा गहमी थी, ये सवाल गूंज रहा था कि त्रिवेंद्र रहेंगे कि जाएंगे। अब तमाम जो परिदृश्य थे वो साफ हो चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब कल यहाँ पर बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक होगी जिसमें नए नेता का चुनाव होगा और उसके बाद तय होगा कि अब उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा। लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। चाहे बेरोजगारी के मामले में, चाहे कुंभ के मिसमैनेजमेंट के बारे में के मुद्दे पर फेलियर हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर फेलियर हो, आज वो पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है। इधर त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। अजय भट्ट साहब, अंततः विराम लग गया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल के सामने इस्तीफा दे दिया है, आपको लगता है कि आगे किस तरह की गतिविधि बीजेपी उत्तराखंड में करने वाली है? नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में से हैं। पार्टी अपने कार्यकर्ता का उपयोग जहां ठीक समझती है वहां करती है। हम लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इन पदों पर जाएंगे। जब भी हम कार्यकर्ता के रूप में आते हैं, पार्टी कैसे फले फूले एक उद्देश्य होता है, उसी में से कुछ कार्यकर्ताओं को पार्टी किसी को अध्यक्ष बना देती है, किसी को मुख्यमंत्री बना देती है, किसी को अन्य दायित्व दे देती है। इस तरह से हमारी पार्टी चलती है, इसलिए आगे के कार्यक्रम भी अच्छे होंगे। जो हुआ है वो भी हमारी पार्टी के निर्देश पर हुआ है, आगे जो होगा वो भी हमारी पार्टी के निर्देश पर होगा। हम सब सिपाही की भूमिका पर रहते हैं। अजय जी, आपको लगता है कि जो जिस तरह की आलोचना हो रही थी विधायकों द्वारा, केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, आपको लगता है कि अब ये पूरी आलोचना चरम पर थी, इसलिए आलाकमान को इस तरह के डिसीजंस लेने पड़े? नहीं, कोई कहीं पर भी कोई आलोचना नहीं थी ऐसी। किसी विधायक ने नाराजगी नहीं, कभी किसी विधायक ने किसी फोरम पर नाराजगी व्यक्त नहीं की। अजय जी, ये खबरें आ रही हैं कि जो श्रीनगर के विधायक और मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्हें जेट से बुलाया गया है, हेलीकॉप्टर से देहरादून बुलाया गया है, उनके नाम की चर्चा है। और ये भी एक चर्चा है कि डिप्टी सीएम जो हर राज्यों में बीजेपी करती आ रही है कि मुख्यमंत्री के साथ एक अटैच उप मुख्यमंत्री दिया जाए।
नहीं, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। वैसे छोटे राज्यों में ऐसा होता नहीं है। और जहाँ तक के माननीय धन सिंह रावत जी के बारे में है, वो संगठन मंत्री रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। किसको पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, किसको नहीं बनाती है, किसको लाने वाली है, किसको नहीं लाने वाली है, ये पार्टी का अपना आंतरिक वर्क है। तो ये उनकी आंतरिक एक कार्य करने की पद्धति है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। तो जब ये तस्वीर साफ हो गई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अब सीएम नहीं रहेंगे, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, तो सवाल ये भी है कि आखिर अब अगला सीएम उत्तराखंड का होगा कौन? तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो दो नाम बता रहे हैं जिनकी चर्चा सियासी गलियारों में ज्यादा चल रही है कि वो इस रेस में सबसे आगे हैं। अनिल बलूनी और धन सिंह रावत, ये दो नाम हैं जिनकी चर्चा है कि इन्हें कमान दी जा सकती है। ये भी फॉर्मूला हो सकता है कि एक डिप्टी सीएम बनाया जाए और उसके साथ डिप्टी सीएम भी रखा जाए, जो हालिया वर्षों में बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है राज्यों में गवर्नमेंट चलाने की। तो देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ तय होता है, क्योंकि आज जिस तरह से घटनाक्रम बदला है, कल तक ये सवाल था कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह हटेंगे या रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। तो सवाल अब ये है कि आखिर नया सीएम होगा कौन? तो ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल से लेकर आज तक उत्तराखंड में क्या हुआ है और कल क्या होने जा रहा है, आगे का रोड मैप क्या है इस राजनीतिक उठापटक का। तो कल विधायक दल की बैठक होगी, नया नेता चुना जाएगा और उसके बाद सीएम का ऐलान होगा, जिसका शपथ ग्रहण होगा। 11 मार्च को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन खास तौर पर जो दो नाम हम आपको बता रहे हैं वो हैं धन सिंह रावत और अनिल बलूनी, जिनके नामों की चर्चा जोर शोर से है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख करेंगे यूपी की खबरों का। तो सीएम योगी बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, आज ललितपुर और झांसी में उन्होंने कई कार्यक्रम में वो शामिल हुए। ललितपुर पहुंचकर वंडई बांध परियोजना का उन्होंने लोकार्पण करने के साथ ही तमाम विभागों की लगभग 40 योजनाओं का लोकार्पण किया। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कों का जाल बिछाने के साथ अब ललितपुर को एयरपोर्ट की सुविधा भी देने जा रहे हैं। वहीं झांसी में मुख्यमंत्री योगी ने लगभग 1700 से 1800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और कहा कि इससे पहले कभी एक साथ बुंदेलखंड में इतनी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो आज बुंदेलखंड की किस्मत और दशा बदली नजर आती। अपने स्वयं के और परिवार के हित में तो क्या होगा, लेकिन बुंदेलखंड के नौजवान